पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र, स्तोत्र, ज्योतिष आदि सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु को, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके आल के निशान को दबाएं। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु पर। इस वीडियो पर आज चर्चा करेंगे श्री रामचरितमानस के अंतर्गत सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहते हैं। अन्य कांडों की बात तो समझ में आती है कि बाल कांड को बाल कांड इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान का उसमें बाल चरित्र का वर्णन है। अयोध्या कांड को अयोध्या कांड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें अयोध्यापुरी का वर्णन है, राजा दशरथ जी की अवस्था का वर्णन है, अयोध्या वासियों का वर्णन है, भगवान राम जी का राज्याभिषेक का वर्णन है, भगवान राम जी के राज्य छिन जाने के पश्चात उनके वन गमन का वर्णन है। संपूर्ण कथा अयोध्यापुरी की ही है उसमें, तो समझ में आता है कि अयोध्या कांड नाम है इसका। अरण्य कांड पर आ जाते हैं। अरण्य कांड में अरण्य का अर्थ होता है जंगल, तो उसमें जंगल की कथा है, भगवान वन वन घूम रहे हैं, इसलिए उसका नाम अरण्य कांड हो गया। इससे आगे आ जाते हैं किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में भगवान किष्किंधापुरी को जाते हैं, इसलिए उस कांड का नाम किष्किंधा कांड हो गया। आगे आ जाता है सुंदर कांड। बात करनी है कि सुंदर कांड को सुंदर कांड क्यों नाम दिया तुलसीदास जी ने, इस पर बात करेंगे। इससे आगे लंका कांड पर लंकापुरी का वर्णन है, लंका में युद्ध का वर्णन है, माता सीता जहां पर रुकी थी, संपूर्ण लंका की ही कहानी है उसमें। रावण वध, मेघनाद वध, कुंभकर्ण वध, अन्य राक्षसों का वध, विभीषण का राज्याभिषेक भी उसी पर है। उससे आगे चले जाएंगे उत्तर कांड मिल जाता है। उत्तर कांड में संपूर्ण रामायण का निचोड़ है, उत्तर है, इसलिए उसका नाम उत्तर कांड हो गया। परंतु विचार करिए कि तुलसीदास जी ने सुंदर कांड का नाम ही सुंदर कांड क्यों रखा। जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वह किसी शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ तो नहीं है, परंतु मैंने विचार करके देखा अपने मन से कि तुलसीदास जी ने इसको सुंदर कांड क्यों कहा। तो मेरे मन में एक विचार आया कि शुरू में जब तुलसीदास जी आरंभ करते हैं रामायण बाल कांड में, वहां पर एक बात कहते हैं कि लंका कितनी सुंदर है। तो बोले भोगावती जस अहि कुल बासा, अमरावती जस सक्र निवासा, तेहिते अधिक रम्ययति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जो भोगावतीपुरी अर्थात नागलोक, जहां पर नागों का निवास है, उस लोक से भी श्रेष्ठ है। अमरावती जसक्र निवासा, अमरावतीपुरी अर्थात स्वर्ग लोक, जहां पर राजा इंद्र रहते हैं, देवताओं के राजा, उस स्वर्ग लोक से भी सुंदर, अत्यंत रमणीय है जो, वह संसार में लंका नाम से विख्यात है। इसलिए तुलसीदास जी ने लंका को अत्यंत सुंदर कहा। इसी कारण जब हनुमान जी माता सीता की खोज करने के लिए लंका पर गए सुंदर कांड में, तब वहां पर हनुमान जी ने विविध प्रकार से घूम करके देखा, संपूर्ण इतनी बड़ी लंका नगरी को घूम करके देखा, जो स्वर्ण नगरी थी, बड़े बड़े चैत्य प्रासाद, तालाब, सरोवर, बागवान। अगर वाल्मीकि रामायण उठा करके देखें तो यहां तक वाल्मीकि जी ने कहा है कि जो वहां पर लंका में सरोवर थे, उन सरोवर की सीढ़ियों में हीरे मोती जड़े हुए थे। तुलसीदास जी ने तो केवल दो चौपाइयों में ही समझा दिया, लेकिन वाल्मीकि जी ने बड़े बृहद में बताया है कि लंका कितनी सुंदर है। अब आप यहीं से समझ सकते हैं, एक मैं उदाहरण दे दूं
कि सरोवर पर, जो सरोवर है लंका में स्नान करने के लिए, वहां पर उन सरोवर के पायदानों पर, सीढ़ियों पर मोतियां, हीरे जड़े हुए हैं। इतनी सुंदर थी लंका और संपूर्ण नगरी तो सोने की बनी ही हुई थी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। शायद यही कारण हो सकता है कि तुलसीदास जी ने लंका को, जहां पर लंका का वर्णन हुआ, हनुमान जी जहां पर लंका में गए जिस कांड में, उस कांड का नाम सुंदर कांड रख दिया। मुझे तो यही कारण समझ में आता है। अगर आपके मन में भी इससे संबंधित कोई कारण है तो इस वीडियो के कमेंट में अवश्य बताइएगा। नमस्कार, पुनः मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो पर।